नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें क्या है कि अगर कोई भी आदमी आपको पूछेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो कितना है, आप फटाक से बोल दीजिएगा। तो ऐसे तो कितने तरह का ग्रेड है हर किसी को पता है, लेकिन अचानक कोई पूछ दे भाई M20 ग्रेड में उसका रेशियो क्या है, आप सोचने को मजबूर हो जाएगा क्या रेशियो हो सकता है भाई। मैंने भी बहुत बार फंस चुका हूँ, तो आज हम आपको बताएंगे उसका एक ट्रिक जिससे क्या है कि आपको तुरंत ही याद रह जाएगा कि अगर कोई भी कुछ भी पूछे तुरंत माइंड में कैलकुलेट करेंगे आप उसको तुरंत जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं ग्रेड, और मेरा वही ट्रिक टू रिमेंबर डिफरेंट मिक्स रेशियो ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आपका जो है यहाँ पे है कितने तरह का है, एम 5 से शुरू होता है। ठीक है, एम मतलब हो गया मिक्स, 5 हो गया उसका जो क्यूबिकल स्ट्रेंथ 28 डेज का रहता है 5 न्यूटन पर mm², मैं इसको आगे बताऊंगा। पहले हम लिख देते हैं ग्रेड कितना के, एम 5, फिर आता है एम 7.5, फिर आता है मिक्स आता है 10, फिर आता है एम 15, फिर आता है एक M20, फिर है एक M25। तो इतने तरह के आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गए, लेकिन ज़्यादातर केस में IS कोड के अनुसार M25 को लोग डिजाइन मिक्स में कैलकुलेट करते हैं जिसका रेशियो नहीं ले आता है, इसको मिक्स रेशियो की अगर हम बात करें। तो अब बात करते हैं इसका, इसका रेशियो कितना होगा भाई, रेशियो में क्या हम लोग काउंट करते हैं, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट। तो यहां पे हम लिख देते हैं सीमेंट, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, जिसको आप मेटल भी बोल सकते हैं, मतलब गिट्टी। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो इसी सब का रेशियो, सीमेंट सैंड एग्रीगेट और मेटल एग्रीगेट का रेशियो को हम लोग जो है इसमें कितना M5 में कितना होगा, M7.5 में कितना, M10 में कितना होगा, 15 में कितना, 20 में और 25 में कितना होगा। और हम एक चीज़ यहाँ पे आपको बताने वाले थे कि M5 मतलब हो गया आपका मिक्स और 5 मतलब हो गया 28 डेज का क्यूबिकल स्ट्रेंथ, एक्सटेंड जो होगा आएगा 5 न्यूटन पर mm², मतलब जब उसको आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में चेक करेंगे तो उसका 28 डेज का इसका जो क्यूब बनाएगा M5 ग्रेड का वो आएगा 5 न्यूटन पर mm². इसी तरह सबका, इस तरह अगर M20 की अगर हम लेकर चले उस तरह मिक्स हो गया और 20 न्यूटन पर mm² होगा 28 डेज का क्यूबिकल स्ट्रेंथ उसका। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। अब यहाँ पर चलते हैं, तो जैसे कि हमको पता है कि सबसे ईजी तो है कि जितना भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग एक बैक के मतलब एक रेशियो के अनुसार चलते हैं, तो सीमेंट कितना पार्ट हो जाएगा सबका, एक एक, वन 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 वन। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हर किसी को पता है भाई M20 ग्रेड में कितना लगेगा, सीमेंट वन पार्ट अगर लेते हैं तो उसका सेंड कितना होगा और एग्रीगेट कितना होगा। ठीक है, तो वन तो सबको पता है, लेकिन अब यहाँ से होता है कि भाई अब ये सेंड का पार्ट कितना हो सकता है, तो हम आपको बता दूं, तो आप एक बार नीचे से चलिए, तो नीचे से हम चलेंगे यहाँ, तो इसका ले लेंगे वन पार्ट। ठीक है, M25 में फिर और ऊपर चलेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, ऊपर देखिए बढ़ते जा रहा है, फिर चलेंगे फिर ले लेंगे एम, ठीक है, 2, फिर यहाँ ले लेंगे 3, फिर यहाँ 4, यहाँ 5, इस तरह का। ये तो याद रहेगा, मतलब कि अब क्या हो गया M15 की अगर बात करें तो सीमेंट एक और सैंड उसका दो पार्ट, अगर एक बोरा सीमेंट है उसका दोगुना दो पार्ट हम लोग सैंड रखेंगे। इतना याद हो गया, आप कभी भी माइंड में कैलकुलेशन करके याद कर सकते हैं, और इसको आप नंबरिंग दे दीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गया। तो 6 नंबर में कितना हम लोग अगर ऊपर से करते हैं तो 5 से शुरू करेंगे, पहला में 5,
मतलब एम फाइव में 5, एम सेवन फाइव में 4, एम टेन में 3, एम फिफ्टीन में 2, ठीक है, ऊपर से नंबरिंग करेंगे। एम फाइव में 1.5, फिर एम ट्वेंटी में 1.5, फिर एम 25 में 1, ऊपर से लेकर के नीचे आएंगे, ठीक है। इतना अब क्या है कि सबसे और सिंपल तरीका, जितना भी आपका ये है, ये आया आपका रेशियो, एग्रीगेट जो होता है हमेशा सेंड का दुगुना होता है, मतलब यहाँ पे इंटू टू हो जाएगा, ठीक है। सेंड का जितना पार्ट है उससे ये इंटू टू हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10। तो फिर M5 का रेशियो हो गया 1:1.5:10, ठीक है। अब 7.5 है M7.5 का, तो 1:4 × इसका दोगुना 8, ठीक है, क्लियर है ये। अब फिर M10 की बात करें तो 1:3 इसका इंटू टू कर देंगे तो आ जाएगा 3 × 2 = 6, ठीक है। अब M15 की बात करें तो आप गया 1:2:2 × 2 = 4। अब M20 की बात करें आ गया 1:1.5 × 2 करेंगे आ जाएगा 3। अब M25 की बात करें तो 1:1 × अगर इसमें 2 कर देंगे तो आ जाएगा 2, है ना, सबसे आसान वाली बात। अब कभी भी अगर कोई आपको कोई पूछ दे भाई M20 क्या है, दिमाग लगाएंगे नीचे से, मतलब अगर ऊपर देखें 5वां नंबर, नीचे से दूसरा नंबर पे, तो उस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। अगर नीचे दूसरा नंबर लेंगे, हाँ उसका जो है, अगर दूसरा नंबर पे तो 1.5 होता है उसका, ठीक है, तो आप तुरंत दिमाग लगाएंगे उसका रेशियो 1 तो फिक्स है, 1:1.5 × उसका तुरंत कर देंगे दुगुना × 2 हो जाएगा, तो आपको 3, 1.5 × 3, तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो कोई भी अगर आपको कोई पूछे, जब भी पूछ दे, आप ये फार्मूला एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और आप फटाफट आप बता सकते हैं। और कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट में बहुत लोग क्या होता है, सीनियर हो, वो मजाक उड़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पूछते रहेगा। तो मैंने एक ट्रिक बता दिया है, हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जैसे ही कोई कुछ मजाक उड़ाने के लिए चाहे को पूछे, तुरंत आप यहाँ पर बता सकते हैं, जिससे क्या है कि आपका मजाक नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका एक ट्रिक, कैसे याद करना है मिक्स रेशियो ग्रेड ऑफ कंक्रीट का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब ये सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो अपलोड करेगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।